कार्तिक आर्यन संग हिट फिल्में देने के बावजूद नहीं मिलती अच्छी स्क्रिप्ट नुसरत भरूचा। बॉलीवुड की एक ट्रेस नुसरत ने अपने करियर की शुरुआत कार्तिक आर्यन संग ही फिल्म प्यार का पंचनामा से की थी। भले ही इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई नहीं की हो, लेकिन टीवी पर आने के बाद फिल्म ने झंडे गाड़ दिए थे। जी हां, फिल्म सुपरहिट साबित हुई थी। वहीं इस फिल्म से ही कार्तिक आर्यन का फिल्मी गलियारों में नाम होने लगा था। आपको बता दें, इस फिल्म से भले ही कार्तिक हर ओर छगे हो, लेकिन फिल्म में नुसरत भरूचा कभी कमचाव नहीं रहा था। हालांकि बाद में जिस प्रकार कार्तिक बनकर चमके, नुसरत की पॉपुलैरिटी उतनी नहीं निखर पाई। हाल ही में नुसरत को फिल्म ड्रीम गर्ल में देखा गया, वही नुसरत की ये फिल्म भी हिट साबित हो गई है। इस दौरान एक इंटरव्यू में शिरकत करने के दौरान नुसरत ने अपने करियर को लेकर बातें की। इस दौरान दो फिल्में करके गुमनाम हुई नुसरत ने कहा कि देखिए, मुझे कोई अच्छी फिल्म ऑफर नहीं करता। ऐसा नहीं है कि मुझे काम नहीं करना, मुझे तीन अच्छी फिल्में मिली हैं और मैंने बैक टू बैक की हैं। मुझे ड्रीम गर्ल मिली तो मुझे उसे हाँ करने में जरा भी देर नहीं लगी। जल्द ही मैं मर जावा और हुड़दंग में नजर आऊंगी। इंटरव्यू के दौरान नुसरत ने अपने डायरेक्टर लव रंजन का मीटू मूवमेंट में साथ दिया था, जिसे लेकर अब नुसरत कहती है कि सच कहूँ तो कई बार डिप्लोमेटिक भी होना पड़ता है। वह बुरी बात नहीं होती, लेकिन कई बार डिप्लोमेटिक होना ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि लोग आपके बारे में तरह तरह की बात कर रहे होते हैं। कई बार यह स्मार्ट मूव भी होता है। मुस्कुराती हैं। पब्लिक फिगर होने के नाते कुछ भी कहने से पहले हमारी जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। कई बार खामोश रहने में भी खूब मेहनत लगती है। लव सर, निर्देशक लव रंजन का केस सामने आने के एक दिन बाद मैंने एक ओपन लेटर लिखा था और मुझे उसे लिखने में उतना समय लगा था। मुझे उस केस में जो महसूस हुआ और जो लगा, उसे मैंने पूरी फीलिंग के साथ लिखा। उसमें साफ हो जाता है कि मैं क्यों लिख रही हूँ। मुझे जो कहना था मैंने कहा और उसके बाद के कमेंट्स मैंने नहीं पढ़े। दरअसल इस दौरान नुसरत की लव रंजन संग रोमांस की अफवाह ने भी जमकर चर्चा बटोरी थी, जिसे लेकर नुसरत कहती है कि अरे अब क्या कहें, उन्होंने पहले मेरा रोमांस एक्टर देवेंदु के साथ करवाया, फिर कार्तिक के साथ नाम जोड़ा, फिर अभिषेक पाठक एक्टर के साथ, अब मेरा नाम लव रंजन के साथ जोड़ दिया। इंडस्ट्री में नाम जोड़ना नया नहीं, पर आजकल जिसको अफेयर रखना होता है वे खुलम खुला डेट करते हैं। ड्रीम गर्ल की कहानी को रियल लाइफ में बताने पर नुसरत कहती है कि सच कहूँ तो इन मामलों में मैं बहुत डरपोक हूँ या आसानी से लोगों पर यकीन नहीं करती। और कुट के जमाने जब एक ट्रेंड चला था ना कि लोग एक दूसरे से पूछते थे एसएल सेक्स लोकेशन, तो मैं सोचती थी कि मैं अपनी लोकेशन क्यों दूं, मुझे नहीं बतानी अपनी एज सेक्स या लोकेशन। तुम कौन होते हो ये जाने वाले, मैं किसी अनजान इंसान के साथ ये सब कुछ शेयर करने को राजी नहीं थी। मैं किसी स्टूपिड चैट विंडो पर ये इन्फॉर्मेशन क्यों दूं। मुझे तब भी इस बात का एहसास था कि अपनी कोई भी पर्सनल डिटेल शेयर नहीं करनी। मुझे हमेशा से इस बात का डर सताता था कि जिसके साथ भी मैं चैट करूं, अगर रेपिस्ट मुजरिम या फिर मानसिक तौर पर बीमार इंसान निकला तो मैं क्या करूंगी। मैंने मस्ती में चैट की होगी, मगर मैं कभी किसी आकर्षण में नहीं पड़ी। नुसरत की अगली फिल्म राजकुमार राव के साथ तुरम खां है। इसके अलावा नुसरत हुड़दंग और मर जावा में भी नजर आएंगी।